कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40% इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य $550 प्रति टन हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे। हे निर्यात शुल्क हटवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारात केंद्र सरकारला साकडे घातले होते। यामुळे देवाभाऊ कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे। मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान है वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको 0 कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, ये बहुत हर्ष की बात है। गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।